सब्सक्राइब करें पुनीत मोगा विद अरविंद चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत। यूट्यूब चैनल पुनीत मोगा विद अरविंद पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको काइन मास्टर पर वीडियो कैसे एडिट करते हैं वो सिखाऊंगा। तो जल्दी से काइन मास्टर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और काइन मास्टर ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप ओपन करते ही ये पेज खुल जाएगा और आपने सबसे लेफ्ट वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना वीडियो सिलेक्ट करना है जो आपके जो भी सेव्ड होगा, जो आपकी वीडियो आपने एडिट करनी है गैलरी से। लेकिन उस वीडियो को एडिट करने से पहले आपने बैकग्राउंड में ये ब्लैक वाले स्क्रीन बैकग्राउंड में लगा लेनी है। वो आपकी चॉइस है आपने कौन सा बैकग्राउंड में स्क्रीन रखनी है। ब्लैक, मुझे ब्लैक पसंद है इसलिए मैं ब्लैक स्क्रीन बैकग्राउंड में लगाता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं वीडियो ढूंढता हूँ अपने फ़ोन में, तो वीडियो चेक करता हूँ मैं कौन सी वीडियो डालूँ इसमें से। वीडियो मेरे फ़ोन में वीडियोस कम है इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ वीडियो कौन सी मैं आपको एडिट करके सिखाऊँ। तो वीडियो मैं आपके अभी चेक करता हूँ, इसमें तो सब फोटोग्राफ्स हैं। तो वीडियो के लिए मैं दोबारा से बैक जाता हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो आप यहाँ पर वीडियो यहाँ पर भी वीडियो नहीं है। कोई भी वीडियो आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आपने एडिट करना है। तो मैं यहाँ पर मुझे एक वीडियो मिल गई है ये मास्क वाली, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो इसको ओके करके तो आपने ये वीडियो को अगर फुल स्क्रीन करना है तो ये वाला ऑप्शन दबाकर सबसे राइट वाला ऑप्शन दबा दीजिए। तो इससे आपकी स्क्रीन फुल होगी। ऑफ पे करने पे वापस, और ऐसे भी जूम कर सकते हैं अगर आप वीडियो को चाहें तो। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो पर लेयर पर क्लिक कर दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप और कौन से इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो को कट करना है, अगर आपको जो वीडियो नहीं चाहिए, तो ये जो सीज़र वाला साइन है, कैंची वाला साइन, उससे आप वीडियो को कट कर सकते हैं। और नीचे से आगे पीछे करके वीडियो को सिलेक्ट कीजिए और कैंची वाली साइन से जो ऊपर सबसे टॉप पे ऑप्शन है लेफ्ट साइड से कट कर देगा, और उसके बाद लेफ्ट साइड से आपकी वीडियो कट जाएगी। और इसको फिर आगे कर दीजिए वीडियो को और फिर से सिलेक्ट कर लीजिए वीडियो को यहाँ से। अब मैं राइट साइड कट करके दिखाऊंगा आपको। सीजर पर क्लिक कर दीजिए और राइट साइड का कट गया, देखिए। तो अब मैं आपको, ये एक वीडियो रह गई है, इसको मैं टू पार्ट्स में कैसे आपको सेपरेट करके दिखाता हूँ। यही सीजर वाला ऑप्शन है, सेंटर में कर लीजिए उस वीडियो को, और सबसे नीचे वाला स्प्लिट वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने के बाद ये जो एक फाइल थी वीडियो की वो टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये दो वीडियो अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट होगी। इन दोनों वीडियोस को अलग अलग आप एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ और इफेक्ट्स डाल सकते हैं, उस वाले पार्ट में कोई और इफेक्ट्स डाल सकते हैं। तो एक ये तरीका था एडिट करने का, कट करने का वीडियो को। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, और तरीका है आपका वीडियो एडिटिंग करने का। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना चैनल। तो अगला आपको इफेक्ट डाल के दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आपने इस वीडियो में जो अपना वॉल्यूम है उसके अंदर आपने इफेक्ट्स डालने हैं, तो ये बॉक्स वाला ऑप्शन है नीचे से सेकंड लास्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। स्टूडियो मेरा फेवरेट है, स्टूडियो से आपकी काफ़ी वॉइस में इंप्रूवमेंट होती है, क्वालिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर आपके और भी ऑप्शन आ जाएंगे, इको आपको कैसी चाहिए वो भी आ जाएगा, कॉन्सर्ट हॉल वाली इको आ जाएगी इसमें, और चर्च आ जाएगा ऑप्शन इसमें, चर्च 1 2, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको। जो आपको पसंद है, इको वाली आवाज़ चाहिए तो वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं चाहिए तो ऊपर नन की ऑप्शन भी आती है, पर मेरा स्टूडियो फेवरेट है इसलिए मैं स्टूडियो सेलेक्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट फिर से आपको इफेक्ट्स और बताता हूँ,
साउंड के इफेक्ट्स। तो ये बॉक्स के बिल्कुल साथ में ऊपर सबसे राइट साइड में ऑप्शन है, इसमें आप ये लाइन को ऊपर कर दीजिए, इससे थोड़ी सी वॉल्यूम में इम्प्रूवमेंट हो जाती है। उसके बाद इसी के बिल्कुल साथ में एक और ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपना बेस बूस्टर लगा सकते हैं, ट्रेबल बूस्टर लगा सकते हैं, बेस रिड्यूसर लगा सकते हैं, ट्रेबल रिड्यूसर, जो आपको पसंद है, जैसी आवाज़ जैज़ पॉप रॉक, जैसी वॉल्यूम आपको, जैसी आपको वॉइस चाहिए इसमें, वैसी आप चेक कर सकते हैं आपकी वॉइस किस में कौन से इफेक्ट्स में पसंद है, कौन से इफेक्ट्स में आपको अच्छी लग रही है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके अब आगे चलते हैं। इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ लेयर पर ऑप्शन, वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए, सब जो सेकंड वाली ऑप्शन है उस पर सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये फुल स्क्रीन। देखिए फुल स्क्रीन करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये फिर से वापस वो स्क्रीन हो गई है। तो अब मैं इस वीडियो में आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाना सिखाता हूँ, बैकग्राउंड में म्यूजिक कैसे ऐड करें। तो यहाँ पर कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो म्यूजिक सिलेक्ट करते ही आप यहाँ पर प्लस पर साइन जो बना हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका म्यूजिक बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। तो आइए करते हैं म्यूजिक। ये देखिए ये ग्रीन कलर की जो है आ गई फाइल। अब आप जब प्ले करेंगे, प्ले वाला बटन ऑन करेंगे, तो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा होगा वो आपको सुनाई दे देगा, और जो वीडियो की ओरिजिनल वॉल्यूम है उसको आप साइलेंट कर लीजिए वीडियो को सेलेक्ट करके, और साउंड वाली ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसको म्यूट कर दीजिए। तो सेकंड वीडियो को भी मैं म्यूट कर देता हूँ, जिससे आपकी जो ओरिजिनल वीडियो की जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो म्यूट हो जाएंगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको दूसरी एडिटिंग करना सिखाता हूँ। इसमें आप, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ पहले, ये फाइल प्ले हो रही है बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर फिर से लेयर पर क्लिक कर दीजिए और अब मैं आपको बैकग्राउंड में कैसे टेक्स्ट ऐड करते हैं वो सिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अब अपना कोई भी टेक्स्ट ले लीजिए, यहाँ पे मैंने बना कर रखे हैं जिसके ग्रीन बैकग्राउंड हो। फ्रेंड्स आपने ग्रीन बैकग्राउंड में जो सा है टेक्स्ट लिख लेना है और उसके बाद उसको ऐड कर देना है। तो अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूंगा, इसको सेलेक्ट कर दीजिए, जहाँ पुनीत लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए नीचे, और फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो फुल स्क्रीन करते ही अब मैं इसका ग्रीन जो बैकग्राउंड है उसको कैसे गायब करें, क्रोमा की एक ऑप्शन है इसमें, ये देखिए मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। ऑन करते ही ये नीचे जो लाइंस हैं इसको एडजस्टमेंट कर दीजिए, इससे आपने पुनीत वाला बिल्कुल वाइट वाइट कर देना है, बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक ब्लैक, जिससे आपका ग्रीन कलर बिल्कुल इरेज हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स अब सिर्फ टेक्स्ट दिख रहा है और बैकग्राउंड में म्यूजिक जो है, बैकग्राउंड में जो वीडियो है उसके आगे आपका सिर्फ टेक्स्ट लिखा आ गया है। तो एक ये था वे आपको टेक्स्ट अपनी वीडियो में लगाने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। थैंक यू।